हेलो दोस्तों, हिटाची कंपनी का एंगल ग्राइंडर मशीन। ये एंगल ग्राइंडर मशीन का मॉडल नंबर है G10SS2। बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है। ये जो मॉडल है ना, ये पुराना मॉडल है। अभी जो मॉडल मार्केट में आया है तो कंपनी का नाम थोड़ा चेंज हुआ है, हाइको की हो गया है। और सामने वाला जो हाउसिंग है अभी कास्टिंग में मिल रहा है, पहले फाइबर में मिलते थे। तो जो फाइबर मशीन है उसमें हम कास्टिंग हाउसिंग लगाने के बारे में सोचे थे। कंपनी से बहुत बार मैंने ऑर्डर किया था, एल्युमिनियम का जो हाउसिंग है मार्केट में नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत बार ढूंढा है, बहुत मेहनत भी की है। मेरे पास बहुत मशीन ऐसे रखा हुआ है, इसमें जो बैरिंग है ना जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये दिक्कत के वजह से मेरे पास 5-6 मशीन ऐसे ही रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत बार मशीन का बैरिंग चेंज कर लिया, बहुत महंगा बैरिंग है, तो मशीन को फेंक के नया मशीन खरीद लिया। तो ये मशीन बहुत दिन से चला रहे हैं, जब से ख़रीदा है बोल रहा है तब से ही मशीन को वो चला रहे हैं। करीब करीब 7 साल इसको चला रहे हैं। देखिए इसका जो बूश कैसे ख़राब हो गया, आपको दिखाते हैं। बूश ख़राब होने से बैरिंग ख़राब हुआ है। तो बूश जो होता है ना, इसमें ग्रीसिंग करना पड़ता है। तो बूश बूश के जो लोहे का साथ घिसता रहेगा ना, बहुत ज़्यादा हीट होगा। हिटाची कंपनी का ही हाउसिंग है, नया हाउसिंग हम इसमें डालेंगे। आप इसमें प्राइस देखिए, आप खुद देख लीजिए इसमें कितने प्राइस है। देखिए तो 190 रुपये का करीब करीब। तो इसमें 10% मेरे को छूट मिलते हैं। तो आपको जो प्रिंट रेट है उसमें बेचना है, नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप सोच लीजिए 190 रुपये आपको इसको चेंज करना। आपको हाउसिंग ये एल्युमिनियम वाला होता तो आपको बैरिंग 50 रुपये 40 रुपये में बैरिंग इसमें फिट कर सकते थे। आपको आपको मशीन का बैरिंग चेंज करना है तो आपको 90 रुपये में आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको 190 का बैरिंग खरीदना है, उसके बाद आपको इसको फिटिंग चार्ज लगेंगे। तो फिटिंग चार्ज 40 रुपये हम इसमें पकड़ेंगे तो उसमें 230 रुपया हो गया। तो आपको सार्क्लिप ऐसे करके बाहर करना है। आपको और एक चीज़ बता देते हैं, जो बूश होता है ना, बूश कंपनी तरफ से इसको फिटिंग किया था तो इसलिए 7 साल चल गया। तो आपने इसमें रोलर बैरिंग फिट कर देंगे ना, तो रोलर बैरिंग क्या होता है पता है? रोलर बैरिंग जहाँ पे रोलर का बॉल होता है ना, पतले पतले वो बॉल जहाँ पे लगते हैं ना, आपका जो स्पैंडल है जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा। 1 साल भी नहीं जाएगा, उससे पहले ही ख़राब हो जाएगा। 6 महीना जाएगा उससे। तो आपको जो बूश होता है ना, बूश बहुत ही बढ़िया होता है। स्पैंडल 7 साल चल रहा है, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बूश चेंज करने से मशीन पहले जैसा हो जाएगा। तो आपको बूश फिटिंग करना है। बूश मार्केट में मिलते हैं, बहुत टाइम लगते हैं, तो आपको मिल जाएंगे। और जो डीलर होता है ना, उसी के पास आप उसको लेके जाएंगे। तो आपको और एक चीज़ बता देते हैं, मेरे जो पुलर है ना, पुलर का सामने वाला मुख खराब हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर से वो रहता है। तो आप ऐसे पुलर के मदद से खोलेंगे तो वो सामने वाला जो मुंह होता है ना थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब बूश में आप बढ़िया से फिटिंग नहीं कर पाओगे। आपको फिटिंग भी करना है तो आपको उसमें मनाना पड़ेगा, सामने वाला मुँह को घिस के उसको उसमें आप फिट कर सकते हो। मेरे पास हाइड्रोलिक पेस मशीन है, जो मेरा पुलर है उसको पकड़ लिया, ऐसे करके हम इसको बैठा लेते हैं। उसमें थोड़ा तकलीफ होता है, आप देखिए कितना कष्ट होता है, फिर भी हम काम करते हैं। एक हाथ में उसको पकड़ के रखना पड़ता है, उसके बाद हमें जो जहाँ पे हाइड्रोलिक पेस मशीन है उसमें उसको सीधा रखना है। उसी के बाद दोनों हाथों से उसको बढ़िया से पकड़ के मेरे को खोलना है। मेरे जो काम करने का तरीका है थोड़ा अलग है, मैं कर लेता हूँ। मेरे को आपको पहले भी बोला था, मेरे को खुशी मिलता है, मेरे को कुछ भी कष्ट नहीं होता है। मेरा जो नशा है ना वो यही है, काम करना, काम करते रहना अच्छा लगता है। मेरे को कुछ नशा नहीं है, जैसे शराब बीड़ी गुटखा कुछ भी नहीं है। एक ही शौक़ है, काम करता रहो हर रोज़, काम से शौक़ है। कुछ भी काम दे दो, मैं काम से कभी कभी खाना पीना भी भूल जाता हूँ। आपको और चीज़ बता देता, मैं एक जब काम कर सकते हैं, मैंने एक बार में 6 घंटा एक जगह बैठ के काम कर सकते हैं। देखिए मैंने गियर ओपन कर लिया है, मेरे आपने एक वीडियो देखे है मैं कितने टाइम से काम कर रहा था, 1-2 घंटा
कुछ ऐसे था, और 2 घंटा 38 मिनट का मैंने कुछ वीडियो दिया है, और 4 घंटा का काम था। मैंने उसको काट छाट कुछ किए हैं, तो थोड़ा टाइम मैंने बाहर गए थे, ऐसे ऐसे कुछ था उसमें, जितना काम था वही आपको दिखाया है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा प्ले हो गया है। मेरे को ये जो पुराना वाला बूस है ना, उसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए मैंने जो तरीका दिखाया था, एक ऐसा तरीका होता है, ये जो तरीका है ना, ये सबसे बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट है आपको बता देते हैं। बूस जो होता है ना, आप इसको बढ़िया से खोल पाओगे, ठीक है? आपके बूस कुछ भी थोड़ा ख़राब हो गया हो, फिर भी आप उसको खोल के खोल सकते हो। और एक तरीका होता है टैप से, टैप से बूस खरीदेगा, वो बूस आपको यूज़ नहीं कर पाओगे, दोबारा आप यूज़ नहीं कर पाओगे, उसको आपको फेंकना है। टैप से खोल सकते हो, वो बढ़िया होता है, बढ़िया से खोल पाओगे। आपको वो भी वीडियो देखना है, जो बूस होता है ना वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, और हम जैसे खोलते हैं ना, आप बूस को यूज़ कर सकते हो। जो आपको शायद आपको बूस थोड़ा प्ले था, आपने सोचा बूस को हम ओपन कर लेते हैं, बढ़िया से ओपन कर लिया, आपको लगा आप ये सामान नहीं मिल रहा है, तो आप जो पुराना वाला बूस था उसको फिटिंग कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं होगा, आपने टैप से उसको खोल दिया, मतलब उसको बड़ा हो गया, अभी वो काम में नहीं आएगा। तो वो जो तरीका होता है ना, वो बढ़िया नहीं है, ये बढ़िया होता है। आपको सामान को ख़राब नहीं करना है, उसको ओपन करना है। आप पहले उसको ख़राब कर दे, ओपन करने का कुछ भी मतलब नहीं रहता है। तो आप काट के भी खोल सकते हो, टैप से खोलने की क्या ज़रूरत है? आप काट के, हम काटने का वाला वीडियो भी देखा था, आप टैप से खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप काट के खोल लीजिए। टैप से खोलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, काट के खोलोगे तो थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। बूस को थोड़ा काट लेना, उसके बाद ठोक देना, बाहर हो जाएगा। आपको निकालना है तो 3 टाइप से आप बूस को निकाल सकते हो। काट के निकाल सकते हो, मैंने काट के निकालने के जो तरीका है बता दिया, मैं रोलर काट के निकाला था ना, ऐसे ही आपको बूस का को काटना है। और एक चीज़, आप टैप से उसको बाहर कर सकते हो, टैप से आप रोलर बैरिंग को नहीं बाहर कर सकते हो, आपको काट के बाहर करना है। और एक चीज़, आपको ऐसे प्रेस करके आप बैठा सकते हो, ऊपर उठा सकते हो। ये जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है, रोलर बैरिंग को ऐसे करके आप बाहर नहीं कर पाओगे, रोलर बैरिंग को आपको काट के बाहर करना है। और एक तरीका है, एक पुलार से आप उसको बाहर कर सकते हो, उस पुलार को मैं खरीदेंगे, आपको दिखाएंगे, वो बहुत ही बढ़िया होता है, बूस भी उसमें ओपन हो जाता है, बहुत ही बढ़िया वो पुलार है, हम उसको खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत महंगा है, 10-12 हज़ार की करीब है, छोटे काम के नहीं है, बड़े काम के लिए भी है। मेरे को जो टूल्स है ना, टूल्स खरीदने में बहुत अच्छा लगता है, मेरे को अच्छे से काम करना है, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कपड़ा काटना है। मैं दूसरे वीडियो में आपको दिखाया था, काम करने का जो तरीका है थोड़ा अलग है। मैं आपको और एक चीज़ बताते हैं, हम रोलर इसमें कम ही फिटिंग करते हैं, मैं उसमें पहले ढूंढता हूँ बूस मिल जाए बढ़िया रहेगा। रोलर जो होता है ना आपके लिए बढ़िया है, जिसके लिए आप उसको रोलर को फिटिंग करके देंगे ना, उसका सामान जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा, स्पैंडल जल्दी ख़राब हो जाएगा, और जो रोलर बैरिंग है ना वो भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सभी को पता नहीं होता है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आप रोलर बैरिंग उसमें कम फिटिंग करें। और आप 801 मशीन होता है ना, उसमें रोलर बैरिंग अभी मिल रहा है, बूस नहीं मिल रहा है, पहले बूस मिल रहा था, अभी नहीं है। तो मार्केट में मेरे को बूस मिल जाएंगे ना, मैं रोलर बैरिंग नहीं फिटिंग करता, बूस फिटिंग कर देता हूँ कभी कभार। पहले बूस मिलते थे, अभी बूस नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत बार ढूंढा है मिल नहीं रहा। अभी एक महाजन से बोले है, वो बोला मिल जाएंगे, 60 रुपये का करीब दाम है, खरीदने को मिलता है 60 रुपये से, हम 80 रुपये में बेच देते हैं। ये जो बूस है ना, एक एक बूस मेरे को मिला है, वो थोड़ा प्राइस ज़्यादा ले लिया मेरे से, 100 रुपये ले लिया, तो कुछ बात नहीं है, वो मेरे को चाहिए था, उसके पास है, तो 100 रुपया मांगा, मैं दे दिया। अभी नहीं मिल रहा, बहुत पहले उसने ख़रीदा था, वही रखा हुआ था, तो आपको नया बूस भी हम दिखाएंगे। हम बढ़िया से उसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको नया बूस हम दिखा देंगे। देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करने से थोड़ा बाहर आया है, उसके बाद हम दोबारा से जो पुराना वाला कपड़ा था उसको इसमें डाल लेते हैं, ग्रीसिंग करने के बाद बढ़िया से बाहर हो जाएगा।
लकड़ी से धीरे धीरे ठोक के आप बाहर कर लेना, देखिए बढ़िया ये से बाहर बाहर हो हो गया गया है। है। आप ऐसे करके बाहर कर लेना, आप देखिए बूस को जैसे था ऐसे ही है, बूस ये कुछ तरीका भी नहीं बहुत हुआ ही है। पुराना तरीका है, हम बहुत ही इसमें अच्छे कैसे तरीके खोला से आप आपको ऐसे पता करके है, बाहर ग्रीस कर जो सकते होता हैं, है ना, आप ग्रीस ऐसे का कर जो सकते हैं। प्रेसर होता है ना, प्रेसर से हम इसको खोलते हैं। बैरिंग भी ऐसे करके कभी कभार ओपन किए जाते हैं। ये जो तरीका है ना, बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, अब बहुत ही पुराना है। ये तरीका में आप जब भी काम करोगे ना, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको पहली बार ठोकेंगे तो नहीं पाएगा, हर बार आपको ठोकना है, बढ़िया से इसको ओपन कर पाओगे। देखिए कितना ज़्यादा प्ले हो गया है। तो ये प्ले होने का वजह क्या आपको पता है? इसमें ग्रीसिंग नहीं किया था। तो देखिए इसमें पुराना वाला बूस है और मेरे और एक बूस है, ये नया है। आपको एक चीज़ हम दिखाते हैं, जो नया वाला बूस होता है ना, बूस में आपको प्ले नहीं रहेगा, रोलर बैरिंग में प्ले होता है। और रोलर बैरिंग बहुत ही, देख आप सैप को देख लीजिए, 7 साल से चल रहा है, सैप में एक भी गड्ढा आपको नहीं दिखाई देगा। तो मैंने पुलार से पकड़ा था, पुलार से पकड़ने से मेरा सैप थोड़ा सामने से ख़राब हुआ है। आप देखिए बहुत ही बढ़िया से फिटिंग भी हो रहा है, उसमें गैप आपको नहीं दिखाई देता। देखिए, और मैं बूस को थोड़ा और भी टाइट कर सकते हैं, वो भी आपको सिखा देंगे। बाहर से हम फेविक्विक डाल के बूस को फिटिंग करेंगे ना, अंदर से लॉक हो जाएगा, वो भी हम काम आपको सिखा सकते हैं, वो बाद में सिखाएंगे। मैं बहुत काम ऐसे करता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब मैं काम सीख के नहीं गया हूँ, मैं दूसरे चीज़ करता हूँ ना, मैं बाइक भी तैयार करता हूँ, साइकिल भी तैयार करता हूँ, हर कोई भी, मैं कुछ भी चीज़ देखता तो तैयार कर सकता हूँ। ऐसे नहीं है, मैं काम ही करता हूँ, मैं बहुत कुछ चीज़ तैयार करता हूँ। मेरे 3 बाइक तैयार किया है मैंने, आपको वीडियो भी फ़ोटो भी दिखाया है। मैं साउंड सिस्टम बॉक्स भी तैयार किया है, ऐसे बहुत सारे चीज़ मैं तैयार करता हूँ। रिपेयर काम मैं पैसा चाहिए इसलिए करता हूँ, और शौक अलग चीज़ में मैं करता हूँ। अब मेरे जो काम है ना, दो काम मैं एक जैसा करता हूँ। तो आपको, मेरे को जितना पैसा देंगे उसी से, मतलब से मैं काम नहीं करता हूँ, काम कर देता हूँ, जितना पैसा चाहिए हम ले लेते हैं। ऐसे नहीं है आप थोड़ा कम पैसा देंगे थोड़ा कम काम करेंगे, ऐसे नहीं होता है। मेरा जो काम करने का तरीका है ना, दोनों एक ही है। मैं अपने लिए काम भी जो करता हूँ जितना मेहनत से, दूसरे के लिए सेम काम करता हो, तो काम का जो क्वालिटी होता है ना, एक जैसा होता है। आपको और एक चीज हम दिखाएंगे, ये मशीन का जो कार्बन है ना, कार्बन बहुत ही महंगे मार्केट में खरीदने को मिलते हैं। ये कार्बन मार्केट में 140 रुपया में आपको मिलेंगे, 10% डिस्काउंट मिलते हैं। तो 140 रुपया में जो MRP है उसी में बेचना पड़ता है। तो ये जो कार्बन है ना, हिटाची कंपनी का ओरिजिनल कार्बन है, G10SS2। G10SS1 जो होता है ना, वो 50 रुपये में मिलते हैं, उसमें स्प्रिंग रहता है। मैंने इसमें क्या करते पता है, जो 801 का ग्राइंडर है, तो वही ग्राइंडर का जो कार्बन है इसमें फिट करते हैं। आपको फिटिंग करके भी हम दिखाएंगे कैसे फिटिंग किया जाता है, आपको कैसे फिटिंग करना है, आप कैसे इसको फिटिंग कर सकते हो। आप सोचो 140 रुपया का कार्बन है, ये 20 रुपया का कार्बन है। आपको और भी हम कुछ दिखाएंगे। ये मशीन में जो आर्मेचर मिलता है बहुत ही महंगे होते हैं, तो 800 के, 850 के करीब। मैंने इसमें क्या किया पता है, G10SS1 का जो आर्मेचर है, इसमें वो आर्मेचर हम फिट किए हैं। कंपनी ने पूछा था, बोलिए फिट हो सकता है, मैंने वो कंपनी ने बोला हम कभी नहीं किए, बोलिए हम उसमें कर सकते, करके देखेंगे, मुझे करके देख लो, होता है तो मेरे को बताना। मैंने करके उसको बताया हो सकता है, मैंने 4-5 आर्मेचर चेंज किया है इसे। उसको पंखा जो है ना, उसको आपको ऑल्टर करना है, पहले बार नहीं होगा, 2-4 बार आपको खोल के उसको सेट करना तभी होगा, उसको जो एडजस्ट है ना आपको सेट करना है। तो हम ऐसे काम करते हैं, जो नहीं होगा उसी को करना है, वही तो आपको खुशी मिलेगी ना। बहुत मशीन में हम ऑल्टर करते हैं। ये इसका आर्मेचर बहुत महंगा है, तो मैंने G10SS2 का आर्मेचर ना, G10SS1 का आर्मेचर इसमें फिट करता हूँ। G10SS जो होता है ना, G10SS जो आर्मेचर है वो 250 रुपये का आर्मेचर है, ठीक है, हम 350 में बेचते हैं। तो 250 का आर्मेचर इसमें आप फिट करोगे ना, आपको 600 जो 700 का जो आर्मेचर होता है कंपनी वाला, तो उससे बढ़िया होता है, आपको सस्ता में आपको आर्मेचर इसमें फिट कर सकते हो। आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा घिस रहा है आर्मेचर, आर्मेचर घिसने का वजह क्या है पता है, बैरिंग तो कुछ
खराब नहीं है, इसमें जो फील्ड है ना, फील्ड घिस रहा है, मतलब फील्ड जो होता है ना, आप एक चीज़ देखिए, कंपनी ने एक ये इसमें दिक्कत किया है, देखिए ये जो फील्ड है ना, फील्ड बहुत ही ज़्यादा प्ले हो रहा है। जो G10 SS1 जो मॉडल था ना, उसमें जो फील्ड फिटिंग किया था कंपनी ने, उसमें जो फील्ड कॉइल है ना, और दो स्टैग नट से इसको फिटिंग किया गया था, उसमें बढ़िया से वो पकड़ के रखता था। इसमें ऐसे नहीं है, कंपनी ने पहले जो मशीन तैयार किया था बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, उसमें मशीन में टेक्नोलॉजी भी यूज़ किए थे, इस मशीन में ऐसे कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं किए हैं, ये लाइट बना दिया है। हम नहीं बोल रहे, आप खुद देखिए, उसके बाद मेरे को बताना, जो मशीन है पहले जो मशीन है बहुत ही बढ़िया था, अभी जो मशीन है बढ़िया नहीं है। तो हम खोलने से पहले जो वायर है उसको हम मार्क कर देते हैं, तो बाद में जब भी हम फिटिंग करेंगे बढ़िया से उसको फिटिंग भी कर पाएंगे। तो देखिए जो दूसरे जो मशीन था G10 SS1, वो मशीन कंपनी ने क्यों बंद कर दिया पता है? ख़राबी नहीं हो रहा था, इसी वजह से कंपनी ने उसको बंद कर दिया। अभी नया मॉडल लॉन्च कर दिया, ये मशीन जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसी वजह से बहुत ले इसको मशीन को ख़रीदा भी नहीं है। पहले जो कार्बन कंपनी ने तैयार किया था उसका कार्बन का प्राइस कुछ था 50 रुपया, अभी जो कार्बन मार्केट में मिल रहा है उसका प्राइस है 140 रुपया। तो आप सोचो आपको क्या करना है। देखो कार्बन बढ़िया है, प्राइस ठीक है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मशीन थोड़ा लाइट कर दिया। कार्बन बहुत जिन से कार्बन हम बहुत बार चेंज भी किए हैं, बढ़िया कार्बन है, कार्बन हम उसमें डाल सकते। देखिए जो फाइबर बॉडी है ना वो बहुत ही प्ले है, वो इसी वजह से इसमें वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट होने से आर्मेचर सर फील घिस रहा है। आप देखिए आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो फील्ड आर्मेचर ऐसे घिसेगा तो आर्मेचर ख़राब हो सकता है, बॉडी का जो फाइबर है ना वो थोड़ा वाइब्रेट होने से थोड़ा प्ले हो गया है। तो हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं? आपको रिपेयर करने के लिए ऐसे मास्किंग टेप लेना है। तो मास्किंग टेप देखिए, आपको जो मास्किंग टेप है ना फील्ड के ऊपर ऐसे चिपक चिपकाना है, तो बढ़िया से आपको चिपकाना है। तो चिपकाने के बाद हाथों से उसको प्रेस करके और से बढ़िया से चिपका देना। तो आपको दो चिपकाना है, दूसरी साइड से आपको ऐसे बढ़िया से उसको हाथों से प्रेस करके उसको बढ़िया से बैठा देना है। तो दूसरे साइड में आपको पहले जैसे किए थे ऐसे इसको बढ़िया से चिपकाना है। देखिए ये जो तरीका है ना बहुत ही बढ़िया होता है, आप बहुत अच्छे भी होता है, ऐसे करके आप काम कर सकते हो। मैं दूसरे जो वीडियो दिए हैं फील्ड कॉइल ऐसे करके मैंने फिटिंग किया है, ये जो तरीका है मैंने पहली बार तैयार किया है। तो पहले इसमें फिल्म हम यूज़ करते थे, इसमें हम मैंने मॉडिफाई किया है, फिल्म बढ़िया नहीं होता है, जो फिल्म होता है ना बहुत हार्ड भी होता है। तो आपको जैसा चाहिए ऐसा नहीं है वो फिट होता है, बहुत बार वाइब्रेट होने से वो जो फिल्म होता है ना कभी कभार बाहर भी हो जाता है। मैंने उसको बढ़िया से चिपकाने के लिए फेविक्विक से उसको फिट भी किया है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। अभी जो तरीका है मेरे को ये बहुत पसंद है, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बाद में पता नहीं और क्या नया मेरे मन में सोच आएगा, उससे भी बढ़िया आप कुछ देखने को मिलेगा। तो हम फ्यूल कॉइल को बढ़िया से फिटिंग करने के लिए कार्बन होल्डर को बाहर कर लेते हैं। आप कार्बन होल्डर को बाहर करके भी फिटिंग कर सकते हो, नहीं तो आप इसको रहने दो, उसको बाद भी आप बढ़िया से फिटिंग कर सकते हो, आपका जैसे चाहे आप ऐसे कर सकते हो। इसको बाहर करने से आपको जो कार्बन आप होल्डर के साथ जो कार्बन नया फिटिंग करोगे ना, आपको जो फिटिंग है ना बहुत बढ़िया से कर पाओगे। आपको खोलना है, देखिए ये जो क्लिप है ना कंपनी ने दिया है बहुत ही बढ़िया दिया है और बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। 600 जो कार्बन होल्डर है उसमें कभी कभार बहुत ज़्यादा स्पार्क होने से ये जो कनेक्टिंग होता है ना टूट जाता है, तो इसमें ऐसे नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हो और बहुत ही हेवी भी होता है। तो मशीन में एक चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, जो फील्ड है ना फील्ड में साथ नाट नहीं है, 600 एंगल ग्राइंडर जैसे है ऐसे ही दिया है। 600 बॉस कंपनी का जो एंगल ग्राइंडर है फील्ड बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने से हिलता रहता है, तो ये दिक्कत होता है। 801 मशीन में भी ऐसे दिक्कत है, तो उसमें जो और कंपनी ने एक बढ़िया चीज़ दिया है, उसमें जो 801 ड्यूल कंपनी का मशीन है उसके जो फील्ड है ना ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर से लॉक होते हैं,
600 भी लॉक होते हैं, 600 जो लॉक करने का तरीका बहुत ही पतले है, इसमें हार मशीन में ऐसे होते हैं। तो जहाँ पे बैठते हैं ना बॉडी, वो थोड़ा वाइब्रेट होने से ऐसे प्ले हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको बढ़िया से हम रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने का मेरे को जो तरीका सही लगा मैं उसमें यूज़ किया है, तो हमें बढ़िया से बढ़िया उसको रिपेयर करके देना है। मशीन को बहुत दिन जैसे चल सकते हैं, तो उसके कुछ भी उसमें दिक्कत होगा तो हम उसको रिपेयर कर लेते हैं बढ़िया से। आप देखिए कैसे हम उसको बढ़िया से रिपेयर करते हैं। तो हम पहले फ्यूल को ऐसे करके बढ़िया से चिपका दिया, उसके बाद हम उसको फिटिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने वायर को मार्किंग किया था ना कैसे फिटिंग होता है, आपको ऐसे करके फिटिंग कर लेंगे तो आपको बढ़िया से फिटिंग भी हो जाएगा। आपको देखिए मैंने जो काम करने का जो तरीका यूज़ किया है, मेरे को ऐसे करके काम करते हैं तो बढ़िया से उसको फिटिंग भी हो जाता है और टाइम भी कम लगते हैं। तो आपको ऐसे करके नहीं फिटिंग करोगे तो आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, आपको सोचना है कहाँ पे मैंने और इसमें डालना है। तो आप में ऐसे मार्किंग कर देंगे ना, आपको सोचना कि कोई जरूरत नहीं है, आपने जैसे उसमें खोला था ऐसे करके फिटिंग करना है, आपका काम करने का जो टाइम है ना वो बच जाएंगे। तो मेरा रियल काम होता है, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो हमको जल्दी जल्दी काम करना, मेरे को जल्दी काम कर पाएंगे तो और भी काम करना है। तो एक दिन में मेरे को जितने काम आएंगे सभी काम को करके घर जाना है। तो मैं थोड़ा टाइम से काम करेंगे तो घर जाने का टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएंगे, तो घर जल्दी जल्दी जा नहीं पाएंगे। तो मेरे को काम भी करना है जल्दी से, उसको अच्छा भी करना है। तो आपको बढ़िया से करना है, तो आपको जो भी काम है उसको सही सही करना है। वाला बैरिंग सही है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। आगे वाला जो बैरिंग है ना थोड़ा प्ले है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो हम इसको खोल लेते हैं। खोलने का जो तरीका है वो सही है, आपको एक चीज़ हम दिखा देते हैं और क्या है? और एक और आपको एक चीज़ दिखा देंगे। पेचकस मेरा थोड़ा बड़ा है, इसको बड़ा पेचकस है तो ऐसे पकड़ लेना, उसके बाद आप इसको तेज कर लेना ऐसे। आपको हमें एक चीज़ दिखा दे, ये आर्मेचर हिटाची, ये हिटाची कंपनी का, हिटाची कंपनी का ये मशीन का ये GTNSS 2 मॉडल है, जिसे जो टू मॉडल है, टू टू मॉडल है। और देखिए ये जो मॉडल है ना GTNSS 1 मॉडल, ये मॉडल है ना ये 1 मॉडल है, एक मॉडल और ये 2 मॉडल। तो ये दो अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। आर्मेचर सेम, इसके जो पंखा है ना ये पंखा थोड़ा अलग है। पंखा क्यों अलग है? पंखा के अंदर ये जो काट है, एक काट मतलब ये जो काट है एक काट इसके अंदर डालेगा तो फिट बढ़िया से हो जाएगा, और ये जो है इसमें ऐसा नहीं होगा, ये लग जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पंखा जो है ना इसको खोलना है और ये पंखा भी खोलना है। खोलने के बाद इस पंखा को इसमें फिट कर देंगे ना, तो मैं ये आर्मेचर आप इसमें फिट कर सकते हो, इसमें एक आर्मेचर डाल जाता है, सेम आर्मेचर है, ठीक है। और आपको और एक चीज़ दिखाई देती है, देखिए ये जो चीज़ है ना इसमें फिट हो जाता है बढ़िया से, नाट भी ये फिट होता है। देखिए आपको हम बाद में कभी दिखा देंगे ऐसे होते हैं। इसी कंपनी के बैटरी 600 वाट हम इसमें डालेंगे, तो इसमें हम साफ कर देते हैं थोड़ा, सफाई जो भी होता है तो हम साफ सफाई कर लेते हैं थोड़ा, साफ करने के बाद हम इसे कर लेते हैं, बैटरी इसमें डाल देते हैं, छोटा कुछ सामान से इसको ठोक के हम उठाएंगे। इसके बाद ये वाला हिस्सा हम डालेंगे, इसके बाद ये वाला हिस्सा को हम इसमें कट लेंगे। हो गया हमारा रिफिटिंग, उसके
कि इसमें खराब ग्रीस है, इसको बाहर करना है। तो हम इसको बाहर कर लेते हैं पहले, इसको खराब ग्रीस को हम इसको कर लेते हैं। देखिए कितना ज़्यादा ग्रीस खराब हो गया, फिर भी चला रहा था। इसको फिटिंग करना है। फिटिंग करने के लिए हम क्या करना है, इसमें थोड़ा डिनाइट डाल देते हैं। आपको ऐसे को आपको कैसे इसको फिटिंग करना है, फिटिंग करने के लिए आपको ये जो भूसन है इसके अंदर इसको इस पर डालना है। ठीक है, डाल दिया, देखिए इतने बड़े से मुंह है। इसके बाद इसको ऐसे फिटिंग कर लेना है, इसके बाद इसको ठोक के ऐसे बैठा सकते हो। सीधा है, अंदर से कुछ नहीं होगा। देखिए बढ़िया बढ़िया से मैंने इसको फिट कर लिया। उसके बाद आपको ऐसे डाल देना, बड़े से मोपिक करेगा, इसको हिल डुल नहीं करेगा। ठीक है, आपको फिटिंग मैंने देखा दिया कैसे फिटिंग करना है। फिटिंग करने का तरीका ऐसे ही है। तो फिटिंग हो गया बॉस, बैरिंग है। देखिए ये बैरिंग ख़राब हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो टूट गया है। हम इसमें आपको प्राइस भी दिखा देते हैं। देखिए प्राइस है, ठीक है, ये बैरिंग है। हम इसको खोलते हैं,
बेयरिंग दिखा देना, बेयरिंग ख़राब हो गया है, बेयरिंग बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, हील रहा है, तो हम इसको ये जो नया है इसमें चेंज करेंगे, ये नया बेयरिंग है तो चेंज करना है। चेंज कैसे करना है वाला इसमें सेट करना है, इसको भी हम साफ सफाई कर लेते हैं। तो आपको एक साइड इसमें मार्क कर लेना है, इसमें कभी कभार इसमें एक टाइपिंग का अच्छा नहीं है तो हम उसे मार्क कर लेंगे, इस साइड में बढ़िया से माफ कर लेंगे। तो आपको बढ़िया से मूव करना है, दूसरे साइड में इसको बैठाने से बढ़िया से मूव नहीं कर रहा, वो घूम नहीं रहा वो बढ़िया से, तो आपको ये चेक कर लेना है, ठीक है, बढ़िया से मूव कर रहा है। तो उसके बाद हमें इसको बैठाना है, तो इसको बैठाने के लिए हमें क्या करना है, तो ऐसे कुछ सामान लेना है इसके ऊपर, इसको बैठाना है, उसके बाद हम इसको हाइड्रोलिक पेस्ट से इसको बैठा सकते हैं, तो हैमर से भी बैठ सकते हैं, हैमर से ठुकने से बैरिंग ख़राब हो सकता है, तो हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे, मेरे पास सामान है तो हम इसमें कर लेते हैं। बड़ा कर दिया था, हाँ इसको छोटा कर लेते थे, छोटा हो गया, अभी इसको हम चला के देखना है, ये इसमें वार दिया था ऐसे हम काट दिए थे, काट में इसको लगा के हम इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं।
यह भी बढ़िया से देखिए, बढ़िया से घूम रहा है मशीन, बढ़िया से घूम रहा है। तो ये बिल्कुल सही हो गया, तो हम इसको ग्रीसिंग कर लेते हैं। ग्रीसिंग करने से पहले मैंने एक चीज़ छूट रहा हूँ, क्या छूट रहा है, ये जो है लॉक ना, इसको हम बैठाना भूल गया था, इसको हम बैठा लेते हैं। बैठ गया, उसके बाद हम ग्रीस कर लेते हैं। आप जब भी ग्रीस करेंगे तो आपको थोड़ा गैप रख के ग्रीसिंग करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट होगा, तो आपको थोड़ा ग्रीसिंग करना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ग्रीसिंग करेंगे तो कितना ज़्यादा हीट होता है वो वीडियो मैंने दे दिया, आप देख सकते हो। नाड़ों को अच्छे से टाइट कर लेना, उसके बाद आपको घुमा के देखना है बढ़िया से मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, बढ़िया से नहीं मूव होगा तो आपको खोल के देखना है उसमें क्या दिक्कत हो रहा है। तो बढ़िया से पहले मैंने उसको टेस्ट कर लिया, मूव तो बढ़िया से होगा, ग्रीस करने के बाद ऐसे नहीं होगा। तो हम बढ़िया से नाट को टाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम घुमा के देखेंगे। कार्बन था, एक बहुत महंगा कार्बन है हिटाची कंपनी का, हम इसमें 801 कार्बन इसमें फिटिंग करेंगे। तो हम कार्बन को खोल देंगे, ये जो कार्बन है ना इसमें ये नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं क्यों जाएगा, इसमें ये जो हिस्सा है इसमें लग रहा है, थोड़ा घिसेंगे, थोड़ा खींच लेते हैं, उसके बाद ये बढ़िया से फिटिंग हो जाएगा। देखिए ऐसे फिटिंग नहीं हो रहा है, तो हमें इसमें और खींचेंगे थोड़ा थोड़ा, मैंने खींच लिया, उसके बाद ये अभी फिटिंग हो गया, देखिए कितना बढ़िया से जा रहा है, थोड़ा अटक रहा है, तो ऊपर वाला हिस्सा में थोड़ा फेस कर रहा है, फेस कर लिया, तो अभी बढ़िया से फिटिंग हो जाएगा, देखिए कितना बढ़िया से फिटिंग रहा है, कहाँ से मैं फिटिंग कर रहा था, ऐसे फिटिंग कर रहा था, तो अभी देखिए आगे पीछे जा रहा है, आगे बाहर जा रहा है, तो हम इसको फिटिंग कर सकते हैं अभी। तो इसके जो वायर है ना वो इसके बाहर ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऐसे करके कार्बन का स्क्रीन है ना ऐसे करके हम इसको फिटिंग करेंगे, इसको बढ़िया से फिटिंग हो जाएगा। हम इसको फिटिंग कर लेते हैं बढ़िया से आगे पीछे हो रहा है, तो क्या करना है कि जो वायर इसको इसको पकड़ के रखना है, इसके बाद इसको हमें इसके अंदर तो बैठाना है, देखिए बैठ गया है, तो उसके बाद इसमें जो ये वाला क्लिप है इसको ऐसे हम फिट कर लेते हैं, इस साइड से नहीं होता है, इसको फिटिंग कैसे होगा इस साइड से होगा, ये फिटिंग हो गया बढ़िया से। तो उसके बाद हमें जो नाट है ना छोटे छोटे उसको हम इसमें कस लेंगे,
वीडियो दिखाते हैं ऐसे कि आपको काम सीखना है ना, आपको काम सीखाने के लिए बात की है, आपको काम सीखना है। दूसरी जो कार्बन है वो भी हम इसमें फिटिंग कर लेंगे इसमें। तो पहले हमें क्या करना है, तो कार्बन का हमें पहले खींचना है, खींचना है तो इस साइड से खींचना है, थोड़ा सा खींच दिया, उसके बाद थोड़ा सा खींचा है तो ऐसे खींच दिया थोड़ा, उसके बाद हम ऊपर से खींचेंगे। पीछे बढ़िया से हो रहा है ना तो मतलब ये हो रहा है, लेकिन जो कहाँ से लग रहा है जहाँ पर थोड़ा घिस जाए तो और बढ़िया से आगे पीछे जाएगा, देखिए बढ़िया से जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो स्प्रिंग है इसको ऐसे करके आपको खोलना है, उसके बाद उसको इसका डाल देना है, उसके बाद जैसा रहेगा टीचर है इसको आपको सीधा कर लेना है, बढ़िया से काम हो गया, तब बाहर हो गया है, इसको आपको सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको कांटे जो है इसको भी फिट कर लेना है। तो फिट करने के लिए आपको क्या करना है, जो स्प्रिंग का वायर है इसको खींच के बाहर रखना है, देखिए मैंने इसको फिट कर लिया। इसके बाद आपको ये जो केबल का सेट है इसको आपको ऐसे फिट कर लेना है, काम करते हैं थोड़ा अलग होता है, आर्ट हमारा करते हैं। ये मशीन का जो कार्बन है ना बहुत ही महंगे हैं, तो बहुत ने ये कार्बन इसमें यूज़ नहीं करेंगे, वो बोला इसमें आप दूसरे कुछ कार्बन डाल दो जो 20 रुपये वाला कार्बन है। तो 20 रुपये वाला जो कार्बन होता है 801, ये कार्बन इसमें बड़े से फिट नहीं होता है, तो इसमें हम घिस के इसमें फिट कर देते हैं, बढ़िया से चलते भी है, बहुत ज़्यादा दिन चलते हैं। तो हम वो आपको दिखा दिया कैसे हम इसको फिटिंग करते हैं, तो इसमें भी ऐसे हम उसको कार्बन को फिटिंग कर दिया, बढ़िया से चल रहा है। तो हम फिटिंग करने के बाद आपको चला के दिखाएंगे, पहले कनेक्शन को हम इसमें होल्डर के साथ इसमें कनेक्शन कर लेते हैं, दोनों साइड से हम इसको जो कार्बन का साथ फ्यूल कॉइल का जो केबल है उसको हम फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद हम चला के देखेंगे, मशीन में थोड़ा स्पार्क होगा, क्यों होगा पता है, कार्बन का जो स्प्रिंग नहीं है, इसमें जो वायर था वो भी घिस के फिटिंग किया है, तो बहुत ज़्यादा फासिंग हुआ है, तो पहले कार्बन को चेंज करना था, तो अभी हम नया कार्बन डालेंगे, थोड़ा फ्लास होगा, फ्लास होने के बाद थोड़ा चलने के बाद वो ठीक हो जाएगा। तो हम आपको चला के दिखाते हैं, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ भी आपको पूछना है, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताना, मेरे से जितना हो पाएगा हम कोशिश करेंगे आपको
सिखाने की।